गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम है ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो और न्यू यूट्यूब कंप्यूटर एजुकेशन में। हम लोग चल रहे थे इफ और इल्स स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट। तो इफ इल्स स्टेटमेंट से हमको लगता है लगभग 7 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, 7 क्वेश्चन बता चुके हैं। जो आज बताएंगे वो 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जो चल रहे थे 7 तक पहले, वो चलते इफ इल्स में डिविजुअल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो लॉजिकल ऑपरेटर से काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। तो इसका प्रोग्राम हम बता चुके थे जिसमें बताया गया कि 4 और 5 से वो डिविजुअल है या नहीं है। तो उस कंडीशन में एक और देख लेते हैं, और कंडीशन। तो और जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसके जरिए, मतलब दोनों में से कोई एक डिविजुअल। क्वेश्चन लिखते हैं, राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर, देन फाइंड डिविजुअल बाय 6 और 9। मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजुअल हो, 6 से भी और 9 से भी हो। प्रोग्राम में सबसे पहले वही लेंगे, हेडर फाइल, वाइड स्पेस रहेगा, मेन रहेगा, कर्ली ब्रैकेट, एंड में ए लेते हैं, शियाउट एंटर एनी नंबर, इंडल सी में रखते हैं ए को, है ना। अब लॉजिकल में और कंडीशन लगाना, मतलब कोई भी एक नंबर को हम एक्सेप्ट कर दिए, आउटपुट जैसे इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर के बाद कोई ए का मान निकालेंगे, वो हम चेक करवाएंगे किससे, इफ कंडीशन में। इफ कंडीशन में ए डिविजुअल बाय 6 इक्वल टू 0, और का साइन, और में दोनों में से कोई एक, ए डिविजुअल बाय 9 इक्वल 0, ये हो गया। मतलब ए डिविजुअल बाय 6 इक्वल टू 0, ए डिविजुअल बाय 9 इक्वल टू 0। मतलब ए का मान जो 6 से डिविजुअल होगा उसका रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर क्या होगा 0, ए रिमाइंडर 9। तो ए का मान जो 9 से रिमाइंडर करेगा, भागा देगा, देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसका शेषफल 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। मतलब सियाओ स्टेटमेंट बनाएंगे, इट इज डिविजिबल बाय 6 और 9, 6 और 9 ब्रैकेट बंद। अदरवाइज दोनों में से कोई एक भी होगा, ठीक है, तो होगा, और दोनों नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। तो दूसरा कंडीशन कहां जाएगा, एल्स में। एल्स में क्या रहेगा, सियाओ इट इज नॉट डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 6 और 9, डबल ब्रैकेट कॉमा क्लोज ब्रैकेट बंद और गेट सीयर। ऐसा नंबर जो 6 से भी डिविजुअल हो और 9 से भी डिविजुअल हो, ठीक है, तो इट इज ए डिविजुअल बाय 6 और 9। इसमें लग गया कौन कंडीशन, और कंडीशन। तो और में कहता है कि जो नंबर डालेगा या तो 6 या तो 9, मतलब दोनों में से भी कोई एक भी या तो दोनों, तो ये इट इज ए डिविजुअल बाय रहेगा 6 और 9, है ना। नेक्स्ट प्रोग्राम चलते हैं, मतलब 9 नंबर, है ना। 9 नंबर में देखते हैं, लॉजिकल से ध्यान दीजिए इस तरीके से। लॉजिकल अभी तो हम लोग दो कंडीशन में, इफ और इल्स कंडीशन, इससे रिलेटेड यदि आपका मोर देन कंडीशन, दो कंडीशन के बाद, जैसे इफ है और इल्स है, लेकिन यदि मान लीजिए अभी हम लोग एक नंबर में चेक करवा रहे कंडीशन, यदि दो नंबर में आए, तीन नंबर में आए, तब क्या करेंगे। तो इसके लिए प्रोग्राम देते हैं,
क्वेश्चन रहेगा 9 नंबर, लाइक प्रोनाउन टू एक्सेप्ट एनी नंबर, देन एक्सेप्ट एनी टू नंबर, देन कंपेयर, देन कंपेयर, ध्यान देंगे यहां कंपेयर। जैसे इससे पहले जो हम प्रोग्राम कराए थे कि यदि दो नंबर डालते हैं ए और बी, दो नंबर डाले तो दो वेरिएबल ये ए और बी, तो या तो ए बड़ा, ए ग्रेटर देन बी, या बी ग्रेटर देन ए। लेकिन ये कंपेयर क्या है, कहता है कि ऐसा करी टू नंबर, दो ही नंबर डालना है। देन कंपेयर, कंपेयर में कहता है कि यदि ए बड़ा होगा तो ए इज ग्रेटर, बी बड़ा होगा तो बी इज ग्रेटर। लेकिन दोनों नंबर यदि आप बराबर डालिए, इक्वल डालिए, तो ये तो एक्सक्यूट नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। उसके लिए भी तीसरा कंडीशन आपको बनाना होगा। तो देखिए किससे प्रोग्राम, सबसे पहले हेडर फाइल लेंगे, वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट्स इन ए और बी, श्योर स्टेटमेंट बनाते हैं, एंटर एनी नंबर इंडियन सी में ए, एंटर एनी टू नंबर करते हैं, दो नंबर है, एंटर एनी टू नंबर ए और बी, ए और बी हो गया है ना। इफ कंडीशन में ए ग्रेटर देन बी, यहां कंडीशन पहला बनाया है कि बी से ए बड़ा होगा, तो स्टेटमेंट यही बना लेते हैं, सी आउ ए इज ग्रेटर देन बी। दूसरा इफ, अब यहां दो या दो से अधिक कंडीशन, तो इल्स का ही यूज करेंगे लेकिन उसमें कंडीशन लगाएंगे, तो जब कंडीशन लगेगा तो इफ लगाना पड़ जाएगा यहां। तो एल्स आया, एल्स में आप देखिए कंडीशन लगाएंगे, एल्स के साथ क्या लग गया, इफ लग गया, एल्स के साथ इफ लग गया, यहां बी ग्रेटर देन ए। अब इसमें कौन स्टेटमेंट क्या करेंगे, बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब ए से बी क्या है, बड़ा है, ब्रैकेट बंद। ध्यान दीजिए दो नंबर जब एक्सेप्ट किए तो इफ कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, तो सीआर ए ग्रेटर देन बी आएगा स्टेटमेंट, यदि ये ट्रू हुआ। यदि बी बड़ा डाले तो बी इज ग्रेटर देन ए, लेकिन यदि दोनों नंबर, दोनों वैल्यू आप इक्वल डाल दिए तब तो ये कंडीशन कोई भी नहीं ट्रू हुआ, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। तो दोनों को ट्रू करने के लिए तीसरा कंडीशन लगा देते हैं, तो तीसरा कंडीशन एल्स, एल्स में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए इक्वल देन बी, या तो यहां कंडीशन लगाते हैं तो फिर इफ लगाना होगा। तो कंडीशन क्या होगा, ए डबल इक्वल बी, हमेशा रिलेशन बताने के लिए, दो में कंपेयर करने के लिए ये डबल इक्वल लगेगा, मतलब ए इक्वल बी, ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। और कर्ली ब्रैकेट सी आउट में लिखेंगे स्टेटमेंट में, ए इक्वल बी, ब्रैकेट बंद और गेट सी एच। तो ये ध्यान दीजिए इसमें दो से अधिक कंडीशन हो गए, इफ इल्स में ही है, इफ और इल्स में ही है, लेकिन दो से अधिक कंडीशन आए, दो से अधिक नंबर हो, अधिक कंडीशन का यूज किया हुआ हो, तो वो आप इस तरीके से बनाएंगे, इल्स और इफ को जोड़ देंगे, पहले इल्स लगा देंगे, इफ लगा देंगे, ये दो कंडीशन फॉल्स हो गया, ये तीसरे में जाएगा। तो तीसरा ओनली इल्स रख सकते हैं, ये एक नहीं लगाएंगे, ओनली इल्स रख सकते, तो काम करेगा एक बल देन भी, क्योंकि ये दोनों फॉल्स हो गए कहां जाएगा, एल्स में। लेकिन एल्स के साथ ये भी कंडीशन लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इफ और इल्स वाला दो से अधिक प्रोग्राम आप यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एकदम इससे मिलता जुलता रहेगा, यहां दो नंबर में कंपेयर रहा, दो नंबर में कंपेयर रहा, लेकिन यदि तीसरे नंबर में कंपेयर करना हो तब क्या होगा, मतलब तीन नंबर आ गया, क्वेश्चन में चेंजिंग रहेगा, राइट प्रोनाउन टू एक्सेप्ट एनी टू नंबर के जगह पे थ्री नंबर रहेगा, टू नंबर के जगह पे थ्री।
थ्री नंबर देन कंपेयर या देन फाइंड ग्रेटर नंबर, देन फाइंड ग्रेटर नंबर, देन फाइंड ग्रेटर नंबर, मतलब उसमें हमको बड़ा नंबर चूज करना है, मतलब तीन नंबर हो गया यहां, तीन नंबर ए बी सी, मतलब ए बी सी, मतलब हमको भी यहां पे तीन कंडीशन लगाने होंगे, है ना, तीन कंडीशन लगाने होंगे, ए बड़ा कि बी बड़ा या सी बड़ा, है ना, तीन प्रोग्राम लेते हैं, प्रोग्राम में वही रहते हैं, थोड़ा सा चेंज दी, एंड में ए बी और सी ले लिए, ए बी सी ले लिए, सी और इंटरनेटिंग टू के जगह पे थ्री नंबर कर देते हैं, थ्री नंबर सी में ए बी और सी, इफ यदि ए ग्रेटर देन बी, लेकिन यहां कंडीशन को बढ़ाना होगा, तो कंडीशन रिलेशन में ही बताए थे आप लोगों को कि जब दो या दो से अधिक कंडीशन हो, दो या दो से अधिक, तो उसके साथ ग्रेटर देन विथ लॉजिकल ऑपरेटर लग जाएंगे, विथ लॉजिकल ऑपरेटर, तो कंडीशन में यहां चेंजिंग हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ब्रैकेट बंद, एंड ए ग्रेटर देन सी, इसको वैसे एक में भी अच्छा करने में दिक्कत नहीं है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ठीक है, मतलब ए को चेक करवाए, ए को चेक करवाए बी से, फिर ए को चेक करवाए सी से, मतलब ए बड़ा बी से भी होना चाहिए, ए को बड़ा सी से भी होना चाहिए, एंड का मतलब तीनों पर दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, मतलब ए को बी से भी बड़ा होना चाहिए और सी से, मतलब ए का मान 10, बी का मान 5, सी का मान 9, मतलब ये दोनों से ये बड़ा है, कौन है, बी और सी से भी बड़ा कौन है, ए, ए ट्रू हो जाता है, मतलब यहां वही कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी, मतलब बी से ये बड़ा, एंड एंड का मतलब हो गया यहां दोनों कंडीशन, बोथ आर कंडीशन ट्रू, ए ग्रेटर देन सी, मतलब सी से भी किसको बड़ा होना चाहिए, ए को, है ना, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू हो जाएगा, यदि आपका ये बी ग्रेटर देन ए ये ठीक है, लेकिन सी बड़ा होगा तो कंडीशन फॉल्स हो गया, ये भी काम नहीं करेगा, तो यहां पे ये दोनों बोथ आर कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो सी आउट में ए ग्रेटर देन बी एंड सी, मतलब ए जो है वो ग्रेटर देन बी एंड सी, मतलब बी और सी से ये दोनों क्या, ये नंबर क्या है, ए बड़ा है, ये कंडीशन हो जाएगा, दूसरे में इफ और इल्स और इफ भी जाने देते हैं, वही रहेगा कंडीशन, बी ग्रेटर देन ए, अब बी को चेक करवा रहे हैं, यहां ए को बड़ा करवाया है, यहां बी को करवा रहे, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, मतलब बी ए से बड़ा होना चाहिए, बी सी से बड़ा होना चाहिए, तब कंडीशन ट्रू होगा, बोथ कंडीशन आर ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू, तो बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी, मतलब दोनों से बी को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अब आइए कहां फिर तीसरा कंडीशन में, इसमें क्या है, इसमें कंडीशन चेंज हो जाएगा, ए अब सी को चेक करवाएंगे, यहां ए को चेक करवाए, दूसरा बी को चेक करवाए, तीसरा सी को चेक करवाएंगे, तो सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, ऐसे कर सकते हैं सी ग्रेटर देन बी या सी सी ग्रेटर ए एंड सी ग्रेटर बी, ठीक है, सी ग्रेटर देन ए सी ग्रेटर देन बी, मतलब सी को चेक करवाया है कि सी ए से भी बड़ा होना चाहिए और सी को बी से भी बड़ा होना चाहिए, तो यहां पे सी इज ग्रेटर देन ए एंड ए एंड बी, मतलब सी बड़ा नंबर है किससे, ए से और बी से, यहां तीन कंडीशन लगाए तीन नंबर के लिए, पहले वाले में ए को बड़ा किए, दूसरे वाले में बी को चेक करवा लिए और तीसरे वाले में सी को किए, यदि ये कंडीशन नहीं लाते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं सी ग्रेटर देन ए एंड बी, ओनली सिर्फ इफ के जरिए, यदि कंडीशन रखना है फिर इफ लगाना होगा, है ना, तो ये दो या दो से
अधिक नंबर, दो या दो से अधिक नंबर, तो विथ ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर विथ लॉजिकल ऑपरेटर दोनों कंबाइन रहते हैं। दो या दो से अधिक यदि आपको रिलेशन बताना होगा तब, है ना। तो ये हो गया 10 नंबर प्रोग्राम, है ना। नेक्स्ट सबसे है 11 नंबर प्रोग्राम, इसी से रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि कभी कभी रिलेटेड सैलरी और ग्रेडिंग से क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना, तो वो कंफ्यूजन में करता है। इसलिए हम यहाँ पे एक दो ऐसे प्रोग्राम बता देंगे जो सैलरी के साथ साथ ग्रेडिंग, सैलरी के साथ साथ ग्रेडिंग और बोनस के रूप में आते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम दो बताएंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखना है क्वेश्चन है कि राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी सैलरी, देन फाइंड इफ सैलरी, यदि सैलरी ग्रेटर देन 50,000, मतलब 50,000, यदि 50,000 से सैलरी आपका क्या है अधिक है, देन डिस्प्ले ग्रेड ए, अदरवाइज ग्रेड बी। कहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जहां पे सैलरी को इनपुट करना है, सैलरी डालना है, तो जिसका सैलरी आप 50,000 से ऊपर डाल दिए तो वो ग्रेड ए में चला जाएगा, और जो ग्रेड आप 50,000 से नीचे डाल दिए रख दिए तो वो आपका ग्रेड बी में जाएगा, है ना। तो देखते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल लेंगे वाई मेन, कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे, सबसे पहले इंट में डालेंगे, तो इंट में ले लेते हैं वेरिएबल के रूप में सैलरी, क्योंकि हमको इनपुट करना है सैलरी, तो हम वेरिएबल में भी सैलरी रख लेते हैं। सीआउट स्टेटमेंट क्या करते हैं, इंटर एनी सैलरी, इंटर क्या करना है हमको सैलरी करना है, इंटर एनी सैलरी इंटर डाल देते हैं। फिर सी में वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल मेरे पास क्या है सैलरी है, वेरिएबल मेरे पास सैलरी है। अब इफ कंडीशन, यदि यदि कंडीशन लगाते हैं वेरिएबल, वेरिएबल को मेरे पास सैलरी ग्रेटर देन 50,000, यदि 50,000 से सैलरी अधिक है जो इनपुट किए हैं तो कौन सा ग्रेड, सीआउट में ग्रेड ए ब्रैकेट क्लोज, यदि 50,000 से सैलरी का वैल्यू अधिक है, 50,000 से अधिक डालती है सैलरी, तो ये कौन सा देगा ग्रेड ए हो जाएगा। और यदि एल्स में, या तो इफ कंडीशन देकर भी डाल सकते हैं, एल्स में डायरेक्ट डालेंगे तो सी आउट स्टेटमेंट में ग्रेड बी ब्रैकेट बंद ऑफ गेट सी एच। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है कि यदि सैलरी 50,000 से अधिक डालते हैं आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं इस प्रोग्राम में तो वो ग्रेड ए देगा, और यदि 50,000 से नीचे रहा तो ग्रेड बी देगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ 50,000 ग्रेटर देन है, यदि इक्वल टू लगा दिए तब 50,000 डालेगा तो वो भी ग्रेड बी में जाएगा, लेकिन 50,000 इक्वल मतलब बराबर और ए से अधिक तो ये ग्रेड ए में जाएगा, और यदि आप उससे नीचे डाल दिए तो आप ग्रेड बी। तो इसी से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम आउटपुट वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, इससे एक सैलरी विथ बोनस के रूप में एक प्रोग्राम बताते हैं, आगे लिखते हैं हम लोग, है ना। इफ इनसे रिलेटेड और सारे प्रोग्राम देखते हैं हम लोग चलते हैं, है ना। तो इफ और इल्स, इफ इल्स के आधार पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट सैलरी, मतलब हमको सैलरी रखना है, सैलरी इनपुट करना है, देन डिस्प्ले बोनस, हमको क्या चाहिए बोनस चाहिए। इफ यदि, यदि में कहता है सैलरी और बोनस, सैलरी और बोनस, ठीक है, हमको एक्सेप्ट करवाना है सैलरी। ध्यान देंगे क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें हमको सैलरी रखना है, और सैलरी रखने के साथ साथ उसको क्या निकाला फाइंड करना है, बोनस फाइंड करना है। तो बोनस फाइंड करने है तो ध्यान दीजिए,
यदि सैलरी कितना होगा तब बोनस होगा। तो एक साइड सैलरी और एक साइड बोनस दिए हुए, ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सैलरी देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, यदि सैलरी आपका इनपुट 10,000 या 10,000 से ऊपर करते हैं, मतलब इक्वल टू 10,000 दिए और 10,000 से अधिक, तो कितने परसेंट? 10% बोनस मिलेगा। सैलरी यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 8,000, मतलब 8,000 दिए और 8,000 से कितना 10,000 के अंदर, मतलब 10,000 से नीचे, कितना परसेंट? 8%। उसी तरह ग्रेटर देन 6,000, 6%। ग्रेटर देन 4,000, 4%। लेस देन 4,000, मतलब 4,000 से इसका नीचे, कितना परसेंट? 2% मिलेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसी के आधार पे हमको क्या दिखाना है? बोनस दिखाना है। यदि कोई 10,000 11,000 रुपए सैलरी है, तो 11,000 का वो गुना करके वो कंप्यूटर खुद कैलकुलेट करके बोनस हमको देगा। तो हमको क्या चाहिए? बोनस फाइंड करना है। चलते हैं प्रोग्राम पे। प्रोग्राम दोनों पर हेडर फाइल रहेंगे, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड। सेकंड रहेगा आपका वॉइडिंग, वॉइडिंग के बाद कैलिब्रेटेड ओपन, उसके बाद इंटीजर, डेटा टाइप्स डिफाइन रहेंगे, इंटीजर रहेगा। फ्लॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्लॉट जस्ट लाइक पॉइंट, पॉइंट फॉलो करेगा, है ना। तो इसमें रखते हैं सैलरी और बोनस, दो ही पे वर्क हो रहा है। सैलरी इनपुट करेंगे और बोनस फाइंड करना है। तो इनपुट करवाते हैं हम, तो पहले क्या है? सीआउट। सीआउट में लिखते हैं एंटर एनी सैलरी, एंटर एनी सैलरी, मतलब कोई भी सैलरी इनपुट करना है। सी में दिए है सैलरी, जिसको रखे हैं सी में सैलरी को, सैलरी हमको इनपुट करना है ना। अब यदि कंडीशन लगा, इफ कंडीशन आ गया, यदि सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, इक्वल टू भी दिए हुए, मतलब जिसका सैलरी, जो सैलरी इनपुट करेंगे ना, वो सैलरी आएगा इस सैलरी से बड़ा होगा किससे? 10,000 से। इक्वल टू मतलब बराबर, 10,000 भी और 10,000 से भी अधिक, यदि इसका मान बड़ा होता है तो ये वर्क करेगा। वर्क क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा बोनस, बोनस वेरिएबल है मेरे पास, बोनस वेरिएबल, बोनस आ गया इक्वल टू सैलरी, मतलब जो सैलरी आप रखे हैं का गुना 10%, मतलब सैलरी का 10% को गुना करेगा। ये गुना करने के बाद ये स्टोर कहां करेगा? बोनस में करेगा। क्लियर है? ये बोनस में करेगा। उसी तरह फिर ये पहला के लिए हुआ, उसी तरह ये दूसरा कंडीशन हम लोग रखते हैं। फिर से आ जाइए एल्स, आप देखिए आगे हम कंडीशन पीछे में प्रोग्राम दिए हैं एल्स इफ का। तो एल्स फिर यदि कंडीशन होगा एक से अधिक कंडीशन, तो वही कंडीशन आ गया एल्स इफ। एल्स इफ मतलब दूसरा कंडीशन लगाएंगे हम, तो इफ लगाना पड़ जाएगा, नहीं तो हमेशा एल्स में कंडीशन का जरूरत नहीं होता है। तो एल्स लगा, इफ लग गया, यदि सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 8,000, तो 8,000 जो है यहाँ पे वो सैलरी यहाँ पे रखनी, मतलब 8,000 के बराबर और 8,000 से अधिक यदि होता है तो ये फिर वर्क करेगा। सैलरी का कितना परसेंट? 8%। ये कहाँ कैलकुलेट करेगा? बोनस में करेगा। यदि ये नहीं फॉलो किया, फिर आप तीसरा कंडीशन में आ जाएंगे। तो फिर वही एल्स इफ और एल्स इफ चलते रहेंगे। एल्स इफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 6,000, मतलब 6,000 भी और 6,000 से अधिक यदि इसका मान होता है, तो फिर ये काम करेगा, बोनस इक्वल टू सैलरी का 6%। कितना परसेंट? 6%। ये हो गया। अब नेक्स्ट चौथा में आते हैं, इफ सॉरी इल्स इफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 4,000। तो 4,000 से ये सैलरी अधिक होता है, फिर ये बोनस वाला कैलकुलेट करेगा, सैलरी का 4% गुना होगा, ठीक है। ये गुना होने पर फिर यहां बोनस स्टोर करेगा। इल्स इफ सैलरी लेस देन, अब ध्यान दीजिए ये पांचवा में लेस देन है, तो सैलरी लेस देन इक्वल टू 4,000, 4,000 से इसका मान कम होगा, तो बोनस इक्वल टू सैलरी का कितना परसेंट? 2%। 2% हो गया। एक सीआउट और बोनस इक्वल टू फिर से टैग और बोनस, ये हो गया। तो ध्यान दीजिए स्टेटमेंट जो हो गए यहाँ, ओनली वन स्टेटमेंट है, ये ओनली वन स्टेटमेंट, कहीं सीआउट वगैरह यूज नहीं किए हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए जब आप
सैलरी इनपुट करेंगे। सैलरी जब कंप्यूटर पे रखेंगे, ये मेरा जब इनपुट होगा, ये मांगेगा पूछेगा इंटरव्यू सैलरी, तो इसमें से जो सैलरी है कोई एक ही ना डालिएगा, या तो 10,000 से ऊपर, या तो 8,000-10,000 के बीच में, 8 या 6,000 के बीच में, या 6 या 4,000 के बीच में, या 4,000 से नीचे, तो कोई एक ही सैलरी आप इनपुट करिएगा। तो इस जो हम कंडीशन बनाए हैं इतने प्रोग्राम में जुड़ेगा, किसी एक ही को फॉलो करेगा, तो जो फॉलो करेगा वो कैलकुलेट करेगा सीआर बोनस इक्वल टू बोनस। यदि आप 11,000 डालते हैं तो ये वाला फॉलो किया, ये कैलकुलेट करेगा, ये करेगा। यदि आप 2,000 डाले हैं तो इसमें कोई नहीं फॉलो करेगा, ये ट्रू होगा, तो ये बात भी करेगा ट्रू, ये कैलकुलेट करेगा तुरंत देगा, मतलब किसी भी से ये फॉलो करेगा और ये यहाँ पे करेगा। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, इसके आधार पे आते हैं, है ना। तो आगे भी देख लेते हैं प्रोग्राम हम लोग, है ना। इफ इनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो यहाँ एंड हो जाते हैं और चलते हैं इफी से। इफी से जो हम आगे देखेंगे वो इफ से मोर देने, मतलब नेस्टेड, जस्ट लाइक नेस्टेड इफ का प्रोग्राम देख लेंगे, है ना। और इससे रिलेटेड फिर हम आगे आउटपुट भी बताएंगे कि कैसे आउटपुट फाइंड करने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आज तक का वीडियो यही तक रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे नेस्टेड इफ, और नेस्टेड इफ के साथ साथ फिर रहेंगे हम लोग स्विच भी पढ़ेंगे आगे, है ना। तो आज तक का वीडियो यही रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।